अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला बाल विकास पवई द्वारा नगर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 9 अक्टूबर से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अंजू त्रिपाठी सुपरवाइजर महिला बाल विकास पवई ने बताया कि 9 अक्टूबर से कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एवं लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए हर घर दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्रों एवं रैली निकाली गई है। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर रंगोली में हिंदी एवं अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। आज की इस रैली में परियोजना अधिकारी बी के अहिरवार के निर्देशन में अंजू त्रिपाठी सुपरवाइजर के मार्गदर्शन में प्रीति नगायच, मीना रखवार, रागिनी सोनी, किरण अहिरवार, मुन्नी कोरी, अजुम बानो, अन्य महिला कार्यकर्ता, सहायिका एवं किशोरी बालिका ये शामिल रही। पवई रिपोर्टर संतोष चौबे। हमारे यहाँ जो रैली निकाली गई है, अभी हमारे 11 अक्टूबर को जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम में संचालित हो रहा है। 9 अक्टूबर को हमारे यहाँ सभी वार्ड में और सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पे रैली नारे लेखन का कार्य किया गया था। सभी वार्ड वाई ग्राम में सब जगह नारे लेखन का कार्य किया गया था। और आज 10 अक्टूबर को प्रत्येक वार्ड में रैली का आयोजन किया जा रहा है बालिका दिवस के उपलक्ष्य में। और इसी कार्यक्रम को कल और आगे बढ़ाया जाएगा। 11 अक्टूबर को हमारे यहाँ जो बालिकाओं का जो लिंगानुपात घट रहा है उस पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो लोग भी हमारे केंद्रों पर उपस्थित होंगे, हम सबको ये जानकारी देंगे कि हमें बालिकाओं का रेशियो कम नहीं होने देना चाहिए। तो इससे हमारे यहाँ कई रंगोली प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता, ये सब कार्यक्रम का आयोजन किया जाए कि बालिकाओं किस तरह से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। और कल साथ में हमारे यहाँ एक और कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें पोषण मटका हमारे संचालित हुआ था, जो पोषण माह में इसकी स्थापना हुई थी। इस पोषण मटके का ये उद्देश्य है कि जितने भी हमारे कुपोषित बच्चे हैं जी, उस पोषण मटके में जो भी सामग्री मिलेगी उससे हम कुपोषित बच्चों को देंगे। जो वार्ड के या गांव के जो संपन्न लोग हैं, उस पोषण मटके में कुछ ना कुछ वो डालेंगे, पौष्टिक सामग्री, वो कुछ भी डालें, अनाज डालें, सब्जी डालें, फल डालें, जो भी डालें, तो हम कुपोषित बच्चों को वो वितरित करवाएंगे। और साथ में ये भी हम लोग इसके प्लान है कि जो पोषण मटके में जो भी सामग्री मिलेगी उससे हम लोग एक बाल भोज का भी आयोजन करेंगे। तो इसलिए सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग, जो गांव के जितने संपन्न लोग हैं या वार्ड के, कि हमारे इस कुपोषण को दूर करने के लिए आप लोग हमारे पोषण मटका को अच्छे रूप से संचालित करने में हमारा सहयोग प्रदान करें। और ये बालिका दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सोच रहे हैं कि इस कार्य को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। कहाँ से कहाँ तक निकाली गई रैली? प्रत्येक वार्ड में निकाली गई रैली। आपका नाम? अंजू त्रिपाठी। बेटी है तो बेटी है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को दो अधिकार।